सेवा के लिए कर देंगे जी, दो गौ माता सेल कर देंगे जी। ये H860 की बेटी है जी। जी। और इसका मदर मिल्क 18-20 किलो है, 4.5 महीने की ब्याई हुई हो चुकी है जी। अब भी ये 13-14 किलो दूध दे रही है। तो ये काली गाय है जी, काली गाय का गोमूत्र भी दूध भी घी भी थोड़ा सा अलग माना जाता है। कामधेनु गौशाला का सीमन रखवा रखा है जी। जी। और अब इसको दूध से सुखाने लग रहे हैं जी। 8 किलो दूध से पर से इसको सुखाना शुरू किया है। संस्कार हरियाणा परिवार से जुड़े सभी गोपालक भाइयों को आपके भाई राज की तरफ से जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय गो माता, जय गोपाल, गो वंदे मातरम। एक बार फिर वही छोटा सा प्रयास कि हर घर में देसी गौवंश हो, उसी मुहिम में एक लंबा सफर तय करके आज पहुंचे रोहतक, जो कि मास्टर जी को देख सकते हो। एक चकाचौंध जिंदगी को छोड़कर इतना इतना गौवंश रखते हैं शहर के बीचों बीच, वो आप देख सकते हो। इनके पास दो गौ माता सेल के लिए उपलब्ध है, एक जेड ब्लैक कपिला और एक साहिवाल गौ माता। चलिए डिटेल लेते हैं, मास्टर जी से बात करते हैं। गौ वंदे मातरम मास्टर जी। वंदे मातरम, जय गौ माता। राज भाई आपका स्वागत है जी, और सारे संस्कार हरियाणा परिवार के सारे साथियों को बार बार राम राम भाई, जय गौ माता जी। जी, आज कितनी गौ माता है अपने पास टोटल? अपने पास टोटल तो 10 गौवंश है जी। जी, 4 छोटे बच्चे हैं और 6 बड़ी गौ माता जी। और सेवा के लिए जो गौ माता देनी है वो कितनी है? सेवा के लिए कर देंगे जी, 2 गौ माता सेल कर देंगे जी। तो पहले तो इस गौ माता के बारे में बताइए थोड़ा सा। ये H860 की बेटी है जी। जी। और इसका मदर मिल्क 18-20 किलो है जी। ये अपनी इसकी बोली की बहन है जी। ये है, बाकी फिलहाल तो ये बीमार है जी, अभी ये गाभिन भी नहीं है और दूध भी नहीं दे रही है जी। किस प्रकार बीमार है, क्या कुछ स्थिति थी आप लेकर आए? 2 महीने पहले परिवार में ही है, भाई है चाचा का लड़का जी, तो उसके पास ही थी जी। जी। और 2 साल, अब तो 2.25 साल हो गए, 3 महीने मेरे पास हो गए इसको जी। तो 2 साल 2.25 साल पहले ब्याई थी जी, तो ब्याई तब ये ठाण में ही पड़ी रही, बस गांव वालों का ऐसा ही है, डॉक्टर आया टीके लगा गया जी। अब इसका पूरा पेट का हाजमा जो है पूरा खराब है जी, बच्चेदानी भी खराब है जी। तो वो भाई गौशाला में भी छोड़ आया था एक बार इसको। तो आप क्यों रख रहे हो इसको? ये बहुत सूदी शरीफ, और ये लगा लो कि मानव के जो है ना जी, बहुत प्रेम करती है ये जी, और ठीक हो जाएगी जी, बीमार होगी तो क्या बात होगी जी। जी, फर्क है, बीमार तो इंसान भी होते हैं, तो हम छोड़ थोड़ी आएंगे। तो अक्सर इस हालात में गौ माता को छोड़ देते हैं लोग? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। और आप रख रहे हो? बिल्कुल जी, मैं तो छोड़ी हुई को लेके आया हूँ जी। उस भाई ने तो बल्कि ये था कि भाई किराया भी और भी सब कुछ दे दे, ले जा बस जी। तो मैंने कहा ना मैं ले जाऊंगा जी। कितने दिन हुए आपके पास इसको? 3 महीने हो गए जी। अब क्या स्थिति है उस टाइम की और अब की? अब इसको 60% आराम है जी, पहले में और अब में 60% आराम है जी। तो लगभग एक गोपालक होता है तो ऐसे स्थिति में गौ माता होती है तो उसको अगर मन में इच्छा तो कामयाब कर सकता है? हाँ, देखो 90% गौ माताएं कामयाब हो जाती है जी। एक आध जो बिल्कुल ही, देखो ऐसे तो इंसान भी मरते ही है जी, तो ठीक ना हो पाए तो ना भी हो पाए जी। जी ये जी, तो अपनी बोली के बारे में और बताइए थोड़ा सा, जो नए दर्शक है उनको। ये अपनी बोली है जी, देई गाय है ये, पहले भी वीडियो में बोल रखा है जी। और अब ये 4.5 महीने की ब्याई हुई हो चुकी है जी। अब भी ये 13-14 किलो दूध दे रही है जी, और 1 महीने से ऊपर की, 1.5 महीने की ये प्रेग्नेंट भी हो चुकी है जी। तो लंबा दूध देती है ये भी? हाँ, ये छोड़नी पड़ती है जी ये गाय जी। और अभी नीचे क्या है इसके? अभी नीचे बछिया है जी। बछिया है? हाँ जी, वो जो बोरी ओडे हुए उस अच्छा तरफ मुंह है। ये कौन से बुल की है? ये बुल तो याद नहीं मेरे को। अच्छा जी, सिमन ही रखवा था, वो मैं स्कूल में गया हुआ था, पीछे से डॉक्टर सिमन रख गया जी। अब पता नहीं वो कौन से बुल की। वैसे करेक्टर काफी अच्छे आए। हाँ, करेक्टर अच्छे हैं जी। जी, तो बताइए कपिला के बारे में और बताइए। ये जेड ब्लैक कपिला है जी। जी, और अभी ये 16-17 दिन की ब्याई हुई है जी। नीचे इसके बछड़ा है जी, 12 किलो दूध बना रखा है जी। जी, तो ये देख सकते हो आप, टिट्स की स्पेसिंग भी देख सकते हो, मिल्क वेन भी देख सकते हो आप। ये देखो ऊपर जो ठुई होती है देसी गाय की, वो है। तो जेड ब्लैक कपिला के अंदर और क्या कुछ गुण पाए जाते हैं? जो ऐसा है जी, देखो साइंस के द्वारा तो चेक करके हमने नहीं देखा जी, लेकिन जैसा सुना है और जैसा प्रयोग किया जाता है जी, वैसे भी कहा जाता है भी, लर भाई मत तेरी काली गाँ हूँ जी,
तो काली गाय तो बोला भाई 16 किलो दूध दे है जी। तो ये काली गाय है जी, काली गाय का गोमूत्र भी दूध भी घी भी थोड़ा सा अलग माना जाता है जी। थोड़ा सा अलग इसलिए माना जाता है क्योंकि ये सूर्य की किरणों को ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करती है, उससे ज्यादा गुणवत्ता बनती है। जी जी जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत। इसीलिए काली गाय के लिए मैं भी इसको इसीलिए लाया हूँ, काली गाय थोड़ी सी अच्छी होती है। जी जी जी। तो ये सेल करनी है? हाँ सेल कर देंगे जी इसको। जी तो कैसे गोपालक को देना चाहते हो आप? ऐसा है जी, गोपालक जो केवल पैसे वाला नहीं जी, देखो पैसे तो हमारा लेन देन है जी, हमारा आपस का लेन देन है पैसों का, तो गौ को नहीं पता कि तू करोड़ रुपए में दी है या फ्री में दी है जी। तो जो ढंग से इसकी सेवा कर पाए ना, इसको रख पाए नियत से जी, जैसे मैं वो बीमार है तो भी उसको रख रहा हूँ जी, तो ऐसा जो गोपालक हो ना जी, मेरे से अच्छे अच्छे बहुत है जी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी सेवा नहीं है मेरी तो जी। तो जो मन से सेवा करने वाला हो ना जी, वो बात बने उससे जी। तो अभी दूध पे ठीक ठाक चल रही है? हाँ बिल्कुल न्याने की है जी, नियायत शरीफ है जी, किसी भी तरह से बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी सानी डालो, औरत दूध निकालो, आदमी निकालो जी, हमारे घर पर तो मेरी घरवाली निकालती है जी जी, कोई भी निकालो, मैं भी निकलवाता हूँ कई बार थोड़ा बहुत, हालांकि मेरे को निकालना नहीं आता जी, फिर भी किलो आध किलो दूध में निकलवा देता हूँ जी। तो इसके बारे में और बताइए। ये साहिवाल है जी, जी साहिवाल में हल्की सी हरियाणवी या अपनी भारतीय कोई नस्ल है वो मिक्स है, क्योंकि इसकी माँ हरियाणवी थी जी। और ये अब अपनी 4 जनवरी को 7 महीने की कंप्लीट प्रेग्नेंट हो जाएगी जी, काम देनु गौशाला का सीमन रखवा रखा है जी जी। और अब इसको दूध से सुखाने लग रहे हैं जी, 8 किलो दूध से पर से इसको सुखाना शुरू किया है जी। तो अब इसका हमने 2 दिन से हरा चारा भी बंद कर दिया, चाट बाकर तो बहुत पहले से बंद कर दिया था लेकिन उससे सुखी नहीं है जी, क्योंकि हरे चारे को मानती है जी, मस्त जी। तो अब 2 दिन से हमने इसका हरा चारा भी बंद कर दिया जी, और एक टाइम पर लाके ऐसे करके सुखाएंगे। अच्छा जी, ये जी ये भी सेल करनी? हाँ ये भी कर देंगे जी जी। लगभग प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका यूं है जी, वैसे तो गाय का क्या मोल है जी, लेकिन कोई भाई लेगा तो देखो मैं वो तो करता नहीं हूँ, ज्यादा बता दिए कम कर लिया वो कर लिया जी, फिक्स प्राइस होता है 30,000 रुपए में दे देंगे जी। अभी बिना ब्याई अभी कोई लेता है तो जी, बाद की बात देखो अलग है जी। कितने महीने की? 7 महीने की प्रेगनेंट, 7 महीने की 4 तारीख को कंप्लीट 7 महीने की प्रेगनेंट हो जाएगी जी। और अभी तो 2-4 दिन में कोई आए ना तो थन भी चेक कर सकता है, बाद में तो हम सुखाने की प्रक्रिया में है जी। तो ये जी। और कपिला की अगर बात करें तो कपिला 12 किलो दूध तैयार है जी, सेवा करेगा तो दूध बढ़ा लेगी जी, नहीं तो 12 में तो कुछ दिक्कत है नहीं जी। अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस की बात करें तो जी, ये मैं लेके आया हूँ इसको 2800 रुपए किराया लगा है, 72,000 की लेके आया हूँ जी, तो 74,800 है, 75,000 में जो भाई लेता हो दे देंगे जी। ठीक है जी, ठीक है। इसके बारे में और बताएं। ये गिर साहिवाल मिक्स है जी, अपनी घर की पाली हुई बच्चिया है जी, और ये वही है जिसने 7.5 महीने की ने बच्चा गिरा दिया था जी, और अब 10 दिन पहले इसके सीमन रखवाया है जी जी। इस आर से सुमित गुज्जर जी के पास से लिया था मैं सीमन साहिवाल के जी, वो सीमन इसके रखवा रखे अब 10 दिन हो गए, दूध भी दे रही है जी 6-6.5 किलो ये जी, दूध देने में नियायत शरीफ है ठीक है, और घी बढ़िया है इसके ठीक है जी। ये घर की अपनी? हाँ ये घर की है जी, बस सेल के लिए ये 2 ही है, एक तो जेड ब्लैक कपिला जी और एक ये साहिवाल जी जी जी। तो कॉन्टेक्ट नंबर और बताइए अपना। कॉन्टेक्ट नंबर है जी 80-59-64-40-42 जी। तो और गोपालकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? गोपालकों को संदेश तो यही है जी कि अपने घर के इंसान की तरह से गौ के साथ व्यवहार करें जी। आप यदि हमारे अंदर जाके देखोगे ना जी, तो छोटे बछड़े को हम अंदर रखते हैं जी, क्योंकि उसको उस ढंग की जरूरत है जी। तो ऐसे ही हम घर के बच्चों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं, तो गौ के साथ भी हम परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करें जी, तो कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा जी। केवल दूध नहीं, गौ की जो आत्मा आशीर्वाद देगी ना जी, वो क्या पता कहां से आपको फल दे देगी जी जी जी।
तो इस सब जानकारी के लिए मास्टर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राज भाई। जय गौ माता, जय गौ, जय गौ माता, जय गौ।